Good morning, dear students. How are you all? I hope all of you are doing good. Today is Friday, 9th April 2021, and in our journal science lesson, we are going to read the lesson The Human Body. So, you have to listen to me very, very carefully so that you would be able to know the correct pronunciation. So, let's start. Our body is like a wonderful machine. इट कैन डू हंड्रेड ऑफ डिफरेंट जॉब्स दीजॉब्स आर डन बाई डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स दी ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन्स बट दे ऑल वर्क टूगेदर कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये एक वंडरफुल मशीन है और इसमें डिफरेंट ऑर्गन हैं और सिस्टम्स हैं जो डिफरेंट जो है वो फंक्शन्स को परफॉर्म करते हैं लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे काम करते हैं ह्यूमन ब्रेन द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स है यू कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दीज आर सेरिब्रम सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑल दीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड जो हमारा जो ब्रेन है ये कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन नेक्स्ट वी हैव द सेंस ऑर्गन्स दीज हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस द सेंस ऑर्गन्स टेक इन इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू आर ब्रेन सो दैट वी कैन बी अवेयर ऑफ आर इन्वायरमेंट आर सेंसेस आर इम्पॉर्टेंट दे हेल्प टू कीप अस सेफ़ फ्रॉम डेंजर हमारी फाइव सेंस ऑर्गन होती हैं जिनमें है आईस ईयर्स नोज़ टंग एंड स्किन ये हमारे जो फाइव सेंस ऑर्गन हैं ये हमें हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमारे ब्रेन तक जाती हैं और यही हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं ये हमें हमारे इर्द गिर्द अगर कोई डेंजर है तो उससे हमें ये सेफ रखते हैं अब इसमें फर्स्ट है आइज वेन द आई सी समथिंग दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन एंड द ब्रेन टेल्स आस वट वी आर सींग हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो फौरन एक मैसेज हमारे ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन फिर हमें बताता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं नेक्स्ट वी हैव ईयर्स द ईयर्स रिसीव साउंड फ्राम द आउटसाइड the sounds are carried to the brain the brain tells us what is making the sound and where the sound is coming from our ears enable us to hear and help us to keep our balance इसी तरह हमारे जो next sense organ है वो है ears हमारे आस पास जो भी sounds जो है वो create होती हैं वो हमारे brain तक जाती हैं और फिर brain हमें बताता है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये किस तरह की आवाज़ है नेक्स्ट वी हैव नोज मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल्स सेंस एंड ऑर्डर्स दी स्मेल्स ट्रेवल थ्रू द एयर द नर्व्स इन द नोज रिसीव्स दी स्मेल्स एंड द ब्रेन टेल्स आस इफ़ द स्मेल्स आर प्लेजेंट और नाट कि हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन जो है वो है नोज अब नोज़ uh, के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे नर्व्स होती हैं जो स्मेल्स <coughs> को रिसीव करती हैं फिर वहाँ से मैसेज ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन ये डिसाइड करता है कि जो स्मेल आ रही है हमें वो प्लेजेंट है या नहीं नेक्स्ट वी हैव टांग द अस टू टेस्ट थिंग्स द इज कवर्ड विद टाइनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स वी कैन टेल इफ समथिंग इज स्वीट सॉर बिटर सॉल्टी और हॉट द ट ऑल्सो हेल्प आस टू टॉक नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है वह है टांग टांग आपको पता है कि हम डिफरेंट थिंग्स को टेस्ट करते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वैदर द थिंग विच वी आर टेस्टिंग इज स्वीट सॉर बिटर वैदर इट इज सॉल्टी और हॉट Next is the skin. The skin helps us to feel just under the surface of the skin are the ends of nerves. When we touch something, the nerve endings send a message to the brain and we can feel heat, cold, pressure, and pain. We can feel if something is hard or soft. Last our sense organs organ hai has skin. Skin home. फ़ील करने में हेल्प देता है हमारी स्किन के uh, अंदर जो है वो छोटे छोटे नर्व्स होते हैं और यही नर्व एंडिंग्स जो हैं वो मैसेज भेजती हैं ब्रेन की तरफ और ब्रेन फिर हमें बताता है कि जिस चीज़ को हम फील कर रहे हैं वो किस तरह की है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स आई होप यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग थैंक यू अल्लाह